इंडिया का साथ छोड़ जयंत चौधरी भी एनडीए में जा सकते हैं। जाट नेता ने खोल रखे हैं दोनों दरवाजे। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ही लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और कई दलों से समझौते भी हो चुके हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की नजर इस बात पर है कि किस तरफ सियासी पलड़ा भारी है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि उन्होंने बीजेपी और इंडिया के लिए अलग अलग दरवाजे खोल रखे हैं। हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान रालोद के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पे मिले। ऐसा पहली बार हुआ जब रालोद विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिले हैं। ऐसे में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में राजभवन के पास महिला की सड़क पर डिलीवरी का मामला गरमा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तुरंत एक्टिव हुए और पीड़िता को पूरी मदद पहुंचाई। बलिया पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश के तहत पुलिस लाइन से निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय, वंदे मातरम की आवाज से गूंज उठा रेलवे स्टेशन प्रांगण। बलिया पुलिस का जोश देखने लायक था। रिजर्व पुलिस लाइन के मैदान में झंडारोहण के पश्चात एसपी एस आनंद की अगुवानी में तिरंगा यात्रा पहुंची रेलवे स्टेशन। कानपुर में मुस्लिम समुदाय की तरफ से शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इनके द्वारा सड़क पर लोगों को और बच्चों को तिरंगे झंडे बांटे गए। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजे। 15 अगस्त को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 268 कंपनी पीएसी, 7 कंपनी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल और 3 कंपनी एसडीआरएफ की तैनात की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश में होटल, ढाबा और धर्मशाला तक की चेकिंग शुरू कर दी गई है। 10 दिन पहले मुरादाबाद से हिजबुल के संदिग्ध आतंकवादी अहमद रजा को एटीएस ने गिरफ्तार किया था।